देश दुनिया भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल मची, फिल्म जगत से लेकर खेल के मैदान तक और अपराध की गलियों से लेकर सेंसेक्स तक हर खबर को जानेंगे फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर, एक बार फिर से पीएम मोदी करेंगे बंगाल का दौरा। बारासात के कचहरी मैदान में कल होगी पीएम मोदी की जनसभा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने लिया बारासात के कचहरी मैदान में तैयारियों का जायजा। না আমাদের কালকের সভা শুধু মহিলার আগমন শুধু বলবো না, কালকের সভা শুধু মহিলার, পুরুষ ভাইরা থাকবেন কিন্তু পিছন দিকে থাকবেন। ঠিক তো, ঠিক বলেছেন, লক্ষ্মী ভাণ্ডার 500 টাকা থেকে, আমাদের ইজ্জতের মূল্য এখন 500 থেকে 1000 টাকা হয়েছে, খুশি হওয়া উচিত না? তাতে কি আছে? রাত্রিবেলায় গিয়ে লোকাল তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীকে একটু মনোরঞ্জন করতে হবে, একটু ধর্ষিতা হতে হবে, একটু শ্লীলতা হানি হবে, তাতে কি আছে? 1000 টাকাটা তো দিচ্ছে, বাড়িয়ে এখনো দেয়নি, দেবে বলেছে। विधायक तापस रॉय के इस्तीफे के बाद सांसद अर्जुन सिंह के नामांकन से तृणमूल के चेहरे पर छाई शिकन। विधायक सोमनाथ श्याम और सुबोध अधिकारी ने पार्टी से अर्जुन सिंह को बैरकपुर लोकसभा सीट से टिकट नहीं देने का किया लिखित अनुरोध। হাতে আমি মামুনপুরে আসার পরে আমার কাছে একটা দাবি সনদ এসেছে, যেখানে এখানকার পঞ্চায়েত মেম্বাররা, এখানকার নেতৃবৃন্দ সবাই আমাকে একটা দাবি দিয়েছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার জন্য। তাদের এই দাবি যে 2019 যেভাবে বিজেপি জেতার পরে ব্যারাকপুর লোকসভা মানুষকে বাড়ির থেকে টেনে নিয়ে রাস্তার উপরে কোদালের বাট দিয়ে এবং বেলচা দিয়ে রাস্তার উপরে নৃশংসভাবে যেভাবে মারা হয়েছিল এবং ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রত্যেকটি পার্টি অফিসকে গেরুয়া রং করে দেওয়া হয়েছিল, সেই তাণ্ডব যেন দ্বিতীয়বার না আসে, সেই রকমের অশুভ শক্তি সেই সব মতন লোকদের যেন ব্যারাকপুরে কোনো স্থান না দেওয়া হয়, এটার একটা দাবি সনদ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে এবং জগদ্দল বিধানসভার একাধিক প্রান্তের থেকে আমার কাছে উঠে আসছে এবং আমার কাছে এসছে। मध्य प्रदेश के दतिया में 3 दिनों से हो रही थी रुक रुक कर बारिश, किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। ओलावृष्टि से प्रभावित भांडेर और सेवधा तहसील में कलेक्टर ने किया नुकसान का मुआयना। मध्य प्रदेश के विदिशा में भोपाल लोकायुक्त की टीम ने दिया बड़ी कार्यवाही को अंजाम। मछली विभाग के सहायक संचालक संतोष कुमार दुबे को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। सुनने में आया कि ये चलती गाड़ी में लेते थे, ऐसा कुछ अभी जो कार्रवाई आपकी हुई उसमें ऐसा कुछ देखने को? चलती गाड़ी में लेते थे ये तो नहीं कहूँगी, परंतु आज जो कार्रवाई हुई है वो गाड़ी में ही डिलीवरी हुई है। उनकी जो कार जिस कार में थे वो उसी कार में फरियादी को बुला लिया था और बोला था कि यहीं आ जाओ। किस विभाग से थे और क्या नाम था आरोपी का? मत्स्य विभाग के सहायक संचालक संतोष कुमार दुबे। मैडम, राशि लेने के बाद काफ़ी दूर तक भागे हैं ऐसा? नहीं नहीं, भागे नहीं है, हम नजरी लगाव रखे हुए थे आसपास, हमारा पूरा बल था तो वो मोड़ पे ही हमने गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ा पाए थे, वो अभी तक नीचे उतरा वैसे हमने चारों तरफ से उनको देख लिया था। तो पैसे उन्होंने हाथ में लिए या गाड़ी की? उन्होंने गाड़ी में रखवाया था, हाथ में नहीं लिए। नहीं, उन्होंने बोला था मैं गाड़ी चला रहे थे वो, तो पीछे बैठा हुआ था फरियादी, बोले यहाँ रख दो, तो राशि उसी को लेने को उसी के एवज में 50,000 उनकी उनका जो कमीशन कब से लटका था राशि के लिए परेशान था? इनका जो स्वीकृति आदेश है वो अगस्त 2022 का है, और चूँकि आवेदक इस बीच कई बार जाके आया कार्यालय में, यहाँ संपर्क किया तो पता चला कि उनके पास बजट नहीं है, बजट सैंक्शन होने पे ही आपकी राशि आपके खाते में डाली जाएगी। जब इनके पास बजट आया होगा तब इन्होंने इनकी राशि इनको सैंक्शन। कब आया लगभग कुछ अंदाज हो? अभी एक हफ्ते पहले ही इनके खाते में राशि आई। एक सप्ताह ठीक। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर की गई बैठक, डीसीपी रियाज इकबाल ने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कमेटी के सदस्यों के साथ की चर्चा। रोड मैप की तैयारी सहित सुरक्षा व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा।
देखिए शिवरात्रि के दिन में ये परंपरागत कार्यक्रम है जो भगवान की जो बारात निकलते हैं और पूरे हमारे पुराने शहर में पूरा राउंड लगाकर वापस आ जाते हैं, तो उसकी संबंध में आज आयोजक और मंदिर समिति के लोगों के साथ में आज मीटिंग लिया गया है। अभी हम लोग पूरा रूट भी देखेंगे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन, नगर निगम और ट्रैफिक, सभी PWD MP भी सभी के अधिकारी आए हैं कि क्योंकि ये ट्रेडिशनल कार्यक्रम है, पूरी गरिमा के साथ सुरक्षा की पूरी मानदंड को रखते हुए इसको संपन्न कराना है, इसलिए मीटिंग लिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए कर रहे हैं आंदोलन। सभी जिला मुख्यालयों पर किया गया धरना प्रदर्शन। किसान संघ ने समर्थन मूल्य पर गेहूं चने की खरीदी की मांग की। जब किसानों की गेहूं की फसल आ गई है और पूरे महाफसल और मध्य भारत के अंदर का धान किसानों का भी चुका है, सरकार ने विधानसभा चुनाव के अंदर ये घोषणा की थी और अपने घोषणा पत्र में भी इसका दावा किया था और सरकार के केंद्र के बड़े मंत्री नेताओं ने ये दावा किया था कि हम 2700 रुपये गेहूँ का खरीदेंगे और धान 3100 रुपये में खरीदेंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। धान समर्थन मूल्य पर बिक गया, जो सरकार ने घोषणा की थी 3100 रुपये में धान खरीदने की वो नहीं खरीदा गया। अभी वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है कि गेहूं भी 2700 रुपये में खरीदा जाएगा, इसलिए भारतीय किसान संघ ने निर्णय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम एक सारे जिलों में बड़ी संख्या में ज्ञापन देंगे, धरना आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाह कराएंगे कि आपने जो वादा किया है उस वादे को निभाना चाहिए, निभाना पड़ेगा। आपकी ही सरकार में गारंटी का मूल्य है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होता है तो PM कहते हैं मेरा परिवार। प्रधानमंत्री के लिए देश ही परिवार है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए पार्टी ही परिवार है। लालू यादव जैसे लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनके लिए बेटा बेटी ही परिवार है। देखिए, मोदी जी का परिवार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं उनके मन में केवल अपना परिवार है, लेकिन मोदी जी के मन में पूरा देश अपना एक परिवार है। इसलिए मेरा परिवार ये कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर दिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में पूरा देश अपना परिवार है और उस परिवार के लिए समर्पित व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण इस भारत माता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका विजन वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, यहाँ तक प्रधानमंत्री जाते हैं कि दुनिया में कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया को अगर उन्होंने हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए यूनिफाइड न्यूज। ब्लैक लीफ हमेशा अपने अपनों के जीवन में मिठास घोलता आया है। कस्टमर्स के लिए उम्दा उत्पाद और बिजनेस पार्टनर्स के लिए अपनेपन का एहसास, यही है ब्लैक लीफ की खास बात। ब्लैक लीफ परिवार से जुड़ने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। साथ आइए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। ब्लैक लीफ, क्वालिटी इज आवर प्रायोरिटी।